हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस फिल्म के बारे में पूछ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फिल्म पर एक वीडियो ही बना दूं। आज की वीडियो में हम कुछ लीक्स के बारे में और इस फिल्म के बारे में हमें क्या क्या पता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एडम विंगार्ड जिन्होंने यू आर नेक्स्ट बनाई थी, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को डायरेक्ट करेंगे। ये विंगार्ड की पहली बिग बजट ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। विंगार्ड इससे पहले लो बजट हॉरर फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके, जिनमें द गेस्ट, व्हाट फन वी वर हैविंग और द ब्लेयर विच का रिबूट शामिल है। लो बजट फिल्म से डायरेक्टर्स को क्रिएटिविटी सिखाती है, इसी वजह से शायद विंगार्ड को इस फिल्म के लिए चुना गया होगा, क्योंकि इस तरह के डायरेक्टर्स ही हमेशा ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते। मॉन्स्टर्स के कुछ एक्टर्स है जो इस फिल्म के लिए रिटर्न आने वाले, जिसमें मिली बॉबी ब्राउन, काइल चैंडलर और जैंग जी शामिल है। मिली बॉबी ब्राउन का वापस आना तो नो ब्रेनर है, क्योंकि मिली किंग ऑफ द मॉन्स्टर की सबसे ज्यादा वेल नोन एक्टर है। कॉन्ग स्कल आइलैंड वियतनाम वॉर एरा के वक्त सेट थी, इसलिए उस फिल्म का कोई भी कैरेक्टर इस फिल्म के लिए रिटर्न नहीं आने वाला। कुछ नई कास्ट को भी इस फिल्म के लिए ऐड किया गया है, जिसमें डेडपूल 2 के जूलियन डेनिसन, आयरन मैन 3 की रेबेका हॉल और हिटपुल 8 के डेमियन बीचर को शामिल किया गया है। डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने पहले से ही कह दिया है कि यह फिल्म काफी कैरेक्टर फोकस होने वाली है। वो चाहते हैं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ऑडियंस ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में भी सोचे, यहाँ तक कि वो स्क्रीन राइटर रोसियो के साथ मिलकर ह्यूमन कैरेक्टर के आर्क को डेवलप कर रहे हैं। विंगार्ड ने एक्सप्लेन किया कि हम हर कैरेक्टर के छोटे से डिटेल पर भी बारीकाई से काम कर रहे हैं, उनके आर्क कौन से होने चाहिए और वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो मॉन्स्टर से किस तरह से रिलेट करेंगे और मॉन्स्टर उनके साथ कैसे रिलेट होंगे। एमसीयू के लिए इस तरह के फ्लेश आउट कैरेक्टर आर्क बहुत ही अच्छी तरह से काम करते। फिलहाल ये सुनकर लग रहा है कि विंगार्ड सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एडम विंगार्ड जब ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात पर स्ट्रेस दिया कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक मॉन्स्टर मूवी है और इस फिल्म की स्टोरी टाइटंस के पर्सपेक्टिव से ही हमें दिखाई जाएंगी। डायरेक्टर इन मॉन्स्टर को ऑडियंस के साथ इमोशनली अटैच करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इन कैरेक्टर को सीरियसली ले और इनके साथ आप इमोशनली अटैच भी हो, ना ही सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर बल्कि मॉन्स्टर्स के साथ भी। ये एक बड़ी मॉन्स्टर पावर मूवी है जहाँ हर मॉन्स्टर क्रेजी है और एक दूसरे के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फाइट का कुछ तो मीनिंग हो। मैं चाहता हूँ कि आप इनमें इमोशनली इन्वेस्ट रहे और मुझे लगता है कि यही इस फिल्म को कूल बनाएगा। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 13 मार्च 2020 को रिलीज होगी। मार्च महीने में इस फिल्म को किंग ऑफ द मॉन्स्टर की इतनी बॉक्स ऑफिस कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद पिक्चर की ऑनवर्ड आएंगी और फिर अगले हफ्ते क्वाइट प्लेस 2 का सीक्वल रिलीज होगा, और इन सभी फिल्म्स का ऑडियंस डेमोग्राफ बहुत अलग है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के को राइटर माइकल डोर्टी ने कहा है कि किंग कॉन्ग मॉन्स्टर से ज्यादा ह्यूमंस की तरफ लीन होता हमें दिखेगा, क्योंकि कॉन्ग ह्यूमन से ज्यादा क्लोज है, वो हमारी तरह ही एक प्राइमेट है। इसी वजह से कॉन्ग बाकी के टाइटन से ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है। इस मूवी में हमें कॉन्ग और ह्यूमंस के बीच की यूनिक बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी। 1933 की फिल्म में भी कॉन्ग इसी तरह से हमें दिखा था, जहां वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर नहीं था, उसमें हमेशा एक ह्यूमन साइड हमें दिखी, जिसे इस फिल्म में और एक्सप्लोर किया जाएगा। हर सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी 2 से 3 फिल्म्स डेवलपमेंट में होती है, लेकिन मॉन्स्टर्स की प्रोड्यूसर एलेक्स गार्सिया ने कंफर्म किया है कि वो इस वक्त एक ही फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब फिलहाल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद किसी और मूवी का प्लान नहीं किया गया है। मॉन्स्टर्स का फ्यूचर इसी फिल्म पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं करेंगी तो शायद हमें इस फ्रेंचाइजी को अलविदा कहना पड़ेगा। गॉडजिला और कॉन्ग ऑलरेडी इससे पहले बिग स्क्रीन पर लड़ चुके हैं। 1962 की जापानीज प्रोडक्शन किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के क्रिएटर्स ने पहले क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म उस मूवी की रिमेक नहीं है, बल्कि एक नई और फ्रेश स्टोरी है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में आपने पहली बार सुना होगा तो आपको लगा होगा कि कॉन्ग गॉडजिला से कैसे लड़ सकता है, गॉडजिला इजीली कॉन्ग को हरा देगा। जरूर कॉन्ग एक अंडरडॉग है, लेकिन गॉडजिला को उसे हराने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हम सब जानते हैं कि कॉन्ग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टाइटन है और वो एक प्राइमेट भी है। आपने कई ऐसी फाइट देखी होंगी जिसमें एक अंडरडॉग लेकिन इंटेलिजेंट कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट पर भारी पड़ता है। इसका मतलब इस फिल्म में आपको साइड बहुत सोच समझ कर चुननी पड़ेगी। दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ वर्सेस मूवी आई है जिसमें हमें कोई डेफिनेटिव विनर कभी नहीं दिखा, जैसे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। लेकिन इस फिल्म को लेकर एडम विंगार्ड ने पहले से ही कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म में एक डेफिनेटिव विनर होगा, या तो गॉडजिला होगा या फिर कॉन्ग। विंगार्ड चाहते हैं कि जब कोई इस फिल्म को देखकर बाहर निकलेगा तो उसे एक बात पता लग जाएगी कि इन दो आइकॉनिक मॉन्स्टर में स्ट्रांग कौन है और फाइट कौन जीता। इस वजह से ये एक इंटरेस्टिंग वर्सेस फिल्म होने वाली है। रही बात ट्रेलर आने की, तो उसके बारे में मैं आपको कोई डेफिनेटिव आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम इस
इस रिगार्ड में पिछले मॉन्स्टर्स के फिल्म को देखे तो हर फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट के 5 महीने पहले ही रिलीज हुआ है, जिसका मतलब क्लियर है कि इस फिल्म का ट्रेलर अक्टूबर के एंड तक रिलीज हो सकता है या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में। बहुत सारे फेक ट्रेलर और डिस्क्रिप्शन यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर राउंड अप कर रहे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के ट्रेलर और डिस्क्रिप्शन से आप दूरी रहे और इन्हें अवॉइड ही करें। अगर ट्रेलर के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी मिलती है तो मैं उसे आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @BrilManti को फॉलो जरूर करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो से आपको गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग के बारे में काफी कुछ जानकारी पता चल गई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप और कौन सी मूवी के अपडेट के बारे में देखना चाहोगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Close till I get up. Time is barely on our side.